ये मुल्क चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा, मगर आप अपनी आदत से मजबूर हैं, आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र और गोलवालकर राम हिंदू राष्ट्र नहीं है, राम ही राष्ट्र है, याद रखिए। चश्मा उतारिए। नहीं नहीं, मैं इसको मैं इस विषय को क्लियर करूं। फॉलो करो, राम हिंदू राष्ट्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, कॉन्स्टिट्यूशन को सबको फॉलो करना पड़ेगा। ओवैसी जी, राम हिंदू राष्ट्र नहीं है, राम ही राष्ट्र है, और तभी महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी। आप महात्मा गांधी को तो मानते ही होंगे ना, क्या महात्मा गांधी ने हिंदू राष्ट्र बनाना चाहा जब उन्होंने कहा राम राज्य स्थापित होना चाहिए? अरे जब इस संसार से जा रहे थे, हे राम कहते हुए महात्मा गांधी गए थे, राम ही राष्ट्र है, इसलिए ये मत कहिए कि हिंदू राष्ट्र है। चलिए ठीक है, मैं ओवैसी साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि संविधान से देश चलना चाहिए, आराम से हंस लेने दीजिए। आस्था से नहीं चल सकता है, आस्था से नहीं चल सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि देश जिद से भी तो नहीं चलता है। हर धर्म के अपने सबसे बड़े भगवान की जन्मस्थली पर बहुत भव्य इमारतें हैं, लोग विश्व भर से जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जिद है जो आपको रोक कर रखती है कि इसको मैं अपनी नाक की बात बना लूंगा, लेकिन अगर 100 करोड़ हिंदू इस देश में मानते हैं कि श्री राम की वो जन्मभूमि है और वहां पर भव्य मंदिर बने और अयोध्या का भी उत्थान हो, तो वो कौन सी जिद है आपके अंदर जो आपको रोकती है और कहती है नहीं, मैं अपने इतिहास के लिए, जिसको आप सही मानते हैं, ये अपना मानते हैं, अपने इतिहास के लिए लड़ता रहूंगा, अदालतों में सबको रगड़ता रहूंगा, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा, ये कौन सी जिद है? मैडम, मेरी जिद इसलिए है क्योंकि मैं हिंदुस्तान के संविधान की मौत नहीं देख सकता। मेरी जिद इसलिए है कि मैं हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ की मौत नहीं देख सकता। मेरी जिद इसलिए है कि मैं हिंदुस्तान की जो सोच और फिक्र है, उसकी खूबसूरती, उसकी प्लुरिज्म को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर पूरा हिंदुस्तान भी मेरे खिलाफ हो जाएगा तो एक आदमी खड़ा रहेगा संविधान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, लिबर्टी के लिए। पूरा हिंदुस्तान मेरा खिलाफ भी हो जाए तो मैं कहूंगा कि याद रखो, ये मुल्क मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पर नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा तो हम में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं होगा, हम में और श्रीलंका में कोई फर्क नहीं होगा, हम में और म्यांमार में कोई फर्क नहीं होगा। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि आप दिल्ली में बैठकर किसी टेमिलियन से नहीं कह सकते कि तू मेरी जबान में हिंदी जबान बोलो। आप दिल्ली में बैठकर ये नहीं कह सकते कि ओडिया जबान को खत्म कर दो। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और आपसे बार बार कह रहा हूं कि 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ भी हो जाए तो सऊदी ओवैसी कहता रहेगा संविधान के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। ये जिद मेरी ये है। ठीक है, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फेटर्निटी, कहां थी ये सब शब्द जब ट्रिपल तलाक का विषय आया आपके सामने, जब महिलाओं को इक्वालिटी देने की बात हुई, जब महिलाओं को लिबर्टी देने की बात हुई, जब महिलाओं को अधिकार देने का बात हुआ, तब इन्होंने संविधान को आड़े हाथ लिया और कहा ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये सब निर्णय लेने वाला, शरिया लॉ ही चलेगा, संविधान नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं पूछता हूं, इन्होंने अभी कहा कि म्यांमार रोहिंग्यान इनका हो सकता है, राम इनका नहीं हो सकता है। जिस रोहिंग्यान से हमारा कोई लेना देना नहीं है उसके लिए ये लड़ सकते हैं, मगर जिस राम से हम सबके पूर्वज आए हैं वो राम इनको, वो राम को ही अपना ले सकते हैं।